कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता असद मेलाई ने कहा कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता और कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी रिजवान कुरैशी निश्चित रूप से विजयी होंगे। उन्होंने इस बात को गलत कहा कि रिजवान ने सपा को धोखा दिया। असद मेलाई ने चुटकी लेते हुए कहा कि हाजी इकराम भी पहले कांग्रेस में काम कर चुके हैं। भाई आज जो है मेयर का और पार्षद का निकाय चुनाव यहाँ पे चल रहा है, लोग अपना मतदान कर रहे हैं, तो क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्या है आपका रुख? ये लोकतंत्र का पर्व है, नगर निगम में छोटी सरकार बनती है और ये सरकार जरूर यहाँ बनेगी, लेकिन इसकी एक जो पीछे केंद्र प्रदेश में सरकारें हैं उनको एक मुंहतोड़ जवाब भी मुरादाबाद का आवाम देगा। जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है उसके खिलाफ मुरादाबाद के वोट देगा लोग, और पूरे उत्तर प्रदेश में यही हालत है। किसको अपना जो है प्रतिद्वंदी मानते हैं? तो सीधा सांप्रदायिक शक्तियों से कांग्रेस का मुकाबला है, कोई और लड़ नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान में यही है, हमारा नेता राहुल गांधी गुजरात में अकेला लड़ रहा है, 50-50 मंत्री उसके पीछे लगे हुए हैं, हम यहाँ लोग उसका जवाब दे रहे हैं, मुरादाबाद के लोग भी उसका जवाब दे रहे हैं। एक चीज़ ये आ रही है इस चुनाव के अंदर कि जो हाजी इकराम कुरैशी हैं वो समाजवादी के देहात विधायक हैं, उनके सगे भतीजे जो हैं वो कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी हैं बने हैं और वो हाजी यूसुफ अंसारी करवा रहे हैं, तो इसको देखते हुए क्या आपके? देखिए, ना तो हाजी यूसुफ से कोई मतलब है, ना हाजी इकराम साहब से, ना पड़ोस से, कांग्रेस का मसला है और रिजवान कुरैशी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, आज से नहीं। उन्होंने हाजी नन्ने साहब जो उनके ताया थे वो कांग्रेसी रहे हैं और उसी नाते से वो पुराना घराना है। और मैं ये बता दूं कि हाजी इकराम साहब भी किसी ज़माने में कांग्रेसी रहे हैं, मेरे साथ युद्ध कांग्रेस में काम किया उन्होंने, तो कांग्रेस का चुनाव है जहाँ किसी जात का या शख्सियत का। हाजी रिजवान जो है वो कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। हाजी इकराम साहब ने ये भी ऐलान किया था कि उन्होंने जो है मेरी पीठ में नहीं पूरी समाजवादी के पीठ में छुरा मौका है, उसके बारे में क्या? वो कुछ भी कह सकते हैं कि उन्हें महसूस करने की बात, हम ऐसा नहीं करते, कांग्रेस के लोग किसी के पीठ में छुरा नहीं भोंकते, सामने से बात करते हैं।